अंबाला शहर के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस नेता पुनीत कवि द्वारा लोगों की मदद के लिए वार्ड सुविधा केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा अंबाला पहुंची, जहां पर उनका कांग्रेस नेताओं व आम जनता ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वार्ड सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कुमारी शैलजा ने वहां पर मौजूद जनता को संबोधित भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि हमारे युवा नेता ने जनता की सेवा और सुविधा के लिए वार्ड सुविधा केंद्र खोला है, जहां पर जनता की मदद की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छा संकेत है कि हमारे नेता पार्टी के मूल मंत्र जन सेवा भाव के तहत जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक ही सरकार के कामकाज से नाखुश होकर उनके खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है, बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। संगठन विस्तार के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्षा ने बताया कि हमारे पर्यवेक्षक हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं के नामों पर मंथन करने के लिए भेजे गए हैं, जो कि 5 तारीख तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। उस पर विचार विमर्श करने के बाद जल्द ही संगठन का विस्तार कर दिया जाएगा। पंजाब में हुई विधायक के साथ मारपीट की घटना को भाजपा द्वारा मॉब लिंचिंग की संज्ञा देने पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, हिंसा के हम खिलाफ थे और रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहले नेता लोगों को भड़काएं और फिर जनता के रिएक्ट करने पर खुद को शहीद दिखाने की कोशिश की जाए। ऐसा करना नेताओं की चाल भी हो सकती है। सरकार द्वारा कांग्रेस पर लगाए किसानों को भड़काने के आरोप पर कुमारी शैलजा ने कहा कि काले कानून कांग्रेस नहीं भाजपा लेकर आई है। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, सबकी जबान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें, अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें। अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। तो लोकतंत्र में अगर आप लोगों की आवाज़ बंद करेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो देखिए जनता जनार्दन सुप्रीम है, कोई ना कोई तरीका निकालेगी वो अपनी बात रखने का। लेकिन आप उनकी बात सुनने की बजाय उन पर केसेस बना दें, और अब एक और नया कानून बना रहे हैं जो प्रॉपर्टीज वाला है। अपने आप में केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है इस कानून कि प्रॉपर्टी अगर ख़राब होगी तो उसका खामियाजा, इतनी सी बात नहीं है, वहाँ सीमित नहीं है ये। ये तो किसी को भी कहीं भी कंस्पिरेटर बना ले, बहुत से ऐसे पहलू हैं। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग ना उनकी सुनते हैं आम लोगों की, और फिर लोगों का रोष जब सामने आता है तो उनके ऊपर इस तरह के ये धाराएं लगाकर केसेस बनाए जाते हैं। पंजाब फ्लिप और कहते हैं जो पूरा मामला था कांग्रेस से नियंत्रित था। आप मुझे बता दीजिए काले कानून लेकर कौन आया था? कांग्रेस तो लेके नहीं आई, इनकी सरकार ने बनाई ये कानून, और इतने दिनों से किसान मजदूर बैठे हैं, उनकी आवाज़ आप सुन नहीं रहे। इतने किसान मारे गए हैं जिनका देहांत हुआ है, आपने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। आपके नेता, आपके प्रतिनिधि किसानों को कभी खाड़कू कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब लोगों का रोष का सामना करना पड़ता है तो इनको कांग्रेस सामने नज़र आ जाती। इनको तो नेहरू जी से लेकर, मेरे को तो हैरानी है कि नेहरू जी का नाम नहीं लिया इन्होंने इसमें, कि नेहरू जी ने करवाया होगा। पंजाब बीजेपी ने इसको लिंचिंग से कंपेयर किया, क्या आपको लगता है ये जो प्रोटेस्ट का तरीका है ये सही था? देखो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा के हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें, लोगों की कहीं ना कहीं रिएक्शन आए, और फिर आप दिखाएं अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश करें। तो क्या ये आपकी चाल है कि आप ऐसे करें कहीं ना कहीं? और इसके लिए कांग्रेस को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पहले अपनी ज़ुबान पर आप कंट्रोल करिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जानते हैं कि हमने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं, और 5-6 तारीख को उनकी रिपोर्ट हम लेंगे।
फिर उस पर विचार विमर्श करके और आने वाले समय में जल्द ही संगठन का विस्तार हो। सूत्रों से खबर मिल रही है कि अकाली दल से जिन्होंने अपना मोर्चा अलग कर लिया था। देखो, कांग्रेस पार्टी में जिसकी भी आस्था है, कांग्रेस के मूल्यों में, हमारे नेतृत्व में, राहुल जी में, सोनिया जी में, जिनकी आस्था है, हमारे दरवाजे खुले हैं और हमारी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो आएंगे, कांग्रेस के हाथ मजबूत और करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। पश्चिम बंगाल में लड़ाई है और लड़ाई हम जो भारतीय जनता पार्टी और ऐसी ताकतें हैं, कम्युनल फोर्सेस, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आगे हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी ताकतें हारे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। सर, क्या करेंगे सर? आज हम सभी ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर एक वार्ड सुविधा केंद्र खोला है और जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी आए थे और वो उद्घाटन करके गए हैं अभी। और इस वार्ड सुविधा केंद्र के तहत सभी लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी जिनके लिए उनको धक्के दर्द धक्के खाने पड़ते थे। जैसे कि बहुत से काम देखे होंगे आपने, पेंशनों के काम रुके पड़े होते हैं, बहुत से आपने बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में, जाति प्रमाण पत्र में नाम चेंज कराने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो हर वो उस तरीके के हर सुविधाएं देंगे, गरीब बेटियों की शादी, मेन जो हमारा मुद्दा रहेगा, गरीब बेटियों की शादी के लिए, गरीब परिवारों में राशन के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो हमारे मेन मुद्दे तो रहेंगे कि हर ज़रूरतमंद परिवार तक हम इस वार्ड सुविधा केंद्र के जरिए पहुँचें और वो हमारे तक पहुँचें ताकि उनकी मदद हो सके, उनकी सहायता हो सके। मेन हमारा मोटिव वार्ड सुविधा केंद्र खोलने का ये है कि हम लोगों तक पहुँचें और लोगों की समस्याओं का हल कर सकें। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।